आपके सामने आज बहुत ही धमाकेदार वीडियो लेके क्योंकि मैं आ चुका हूँ आज सदर मार्केट दिल्ली में, जहाँ पे आपको दिखाऊंगा पूरी वैरायटी स्पोर्ट्स की, लेके छोटे बच्चे से लेके ऊपर तक की वैरायटी दिखाऊंगा आपको। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, पहले आपको सब कुछ यहाँ पे होलसेल में मिलेगा, आपको यहाँ पे भी आपको बल्क में चीज़ ऑर्डर करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं छोटे बच्चों का बिजनेस करूँ या प्लीज अपना जो स्पोर्ट्स का बिजनेस करूँ, तो यहाँ पे आपकी वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। मेरे साथ जो शॉप के जो ऑनर हैं वो जुड़ने वाले हैं, तो इनसे बातें करते हैं। पहले तो सर बहुत बहुत नमस्कार है, नमस्कार है जी, कैसे हैं सर? अपने सभी व्यापारी भाइयों को मैं नमस्कार करता हूं जी। और मैं आज जैसे आप लोगों को मैं बच्चों से जुड़ी हुई खिलौने की आइटम, जैसे बैट का, लकड़ी का बैट हो गया, प्लास्टिक का बैट हो गया, रैकेट हो गया, स्पोर्ट्स की पूरी वैरायटी मैं आपको दिखाता हूं। जैसे बच्चों में छोटा बैट अगर मैं बोलता हूं कि कहां से स्टार्ट होगा, ये आप देख सकते हैं, इस टाइप से लकड़ी का बैट है ये, और काफी अच्छा बैट है, काफी अच्छा बिकता भी है। मैं आपको एक बार देख सकते हैं, आप ऐसे भी मार करके भी अगर आप करते हैं ना, तो इसका कुछ नहीं बिगड़ता। चलने वाली आइटम है, सिर्फ 15 रुपए का पीस पड़ता है, 180 रुपए दर्जन की आइटम है, 13 दर्जन की बोरी आती है। आप अच्छे से अगर आप बल्क में चाहिए तो बल्क में, बोरी बोरी चाहिए तो बोरी, कट्टे कट्टे भी चाहिए, मतलब उस तरीके से आपको मिल सकता है। बाकी इसमें साइज अलग अलग आते हैं, सभी साइजों के अलग अलग रेट होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे छोटा वाला मैंने आपको बताया तो इसी तरीके से 15 रुपए का पीस पड़ता है। बाकी थोड़ा बड़ा अगर आपको चाहिए तो इस टाइप से मिल जाएंगे, जैसे ये है, ये बड़े वाले मिल जाएंगे। इससे बड़ा साइज चाहिए तो आपको इस टाइप से मिल जाएगा, जो कि आपका काफ़ी अच्छा पीसेस और जो है काफ़ी अच्छे डिजाइन ये ऐसे आ जाएंगे, और कलर भी, तो इस टाइप से आप ले सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छी आइटम है और ये सस्ती आइटम है, सिर्फ 40 रुपए का पीस पड़ता है, 480 रुपए डिजाइन की आइटम है, जो जैसे 99 की सेल में, कुछ लोगों को देखा होगा आपने 99 की सेल लगाते हैं, और 99 की सेल में जो लगाते हैं वो कंफ्यूज होते हैं। कुछ नए लोग भी 99 का चालू करना चाहते हैं, वो सोचते हैं मुझे कैसी आइटमें रखनी चाहिए कैसी नहीं रखनी चाहिए, उनको नॉलेज कम होता है। तो हमारे पास जैसे मैंने आपको बताया स्पोर्ट्स में, जैसे स्टार्टिंग रेंज से लेकर के आप उसमें 99 में मिक्स करके वैरायटी रखते हैं, तो 70 रुपीज़ तक की आइटमें रख सकते हैं, 70 रुपए तक की आइटम आप उसमें मिक्स करके रख सकते हैं, जो दुकानों पे रिटेल वाले 150 की सेल में बेचते हैं वो आप 99 में भी रख सकते हैं, इस तरीके से मिक्स करके। और आपको अगर आपको आइटमें नहीं समझ में आती वीडियो में, जैसे कुछ आइटमें नहीं आपको समझ में आ रही, तो आप वीडियो कॉल करके भी मैं आपको एक एक आइटम करके दिखा करके उसमें रेलर का रेट बताएगा, और जो जो आप बोलोगे उसका सबका नोट कर लेगा। और आप अगर इसमें वैरायटी पूछते हैं कि कितने का माल मंगाना चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप 10,000 रुपए का, सिर्फ 10,000 रुपए में मिक्स करके वैरायटी, जैसे लकड़ी का बैट हो गया, प्लास्टिक का बैट हो गया, जैसे आप देख सकते हैं ये प्लास्टिक के बैट हैं, और इसमें जैसे जो है प्लास्टिक के रैकेट हैं, बैक साइड लग रहे हैं, ये बड़ा रैकेट है, छोटा रैकेट है, इस तरीके से ये सारी आपके रेंज में आने वाली आइटमें हैं। रैकेट में ऐसे इस टाइप से डबल रॉड का रैकेट है ये, और काफी अच्छा आइटम है। आप ये आप जी ये इसको भी आप 99 के सेल में, 100 रुपए की सेल में आप आराम से डाल सकते हैं ये आइटमें, देख सकते हैं आप, ये सारी आइटमें आप जितनी भी टंग रही हैं ये सारी आइटमें आपके रेंज की आइटमें आ जाएंगे, 99 के सेल में आप डाल सकते हैं। और जैसे इसमें बॉल की बात करता हूं मैं, लकड़ी का बैट जैसे बड़ा थोड़ा और अच्छे में चाहिए, तो इस टाइप से जैसे 99 से ऊपर बेचना चाहते हैं आप, 149 बेचना चाहते हैं या 199 बेचना चाहते हैं, तो भी आप बेच सकते हैं, ये सस्ती आइटमें होती हैं ये और काफी अच्छी आइटमें हैं ये। तो आप इनका जो है जैसे 120 का पीस पड़ता है, 100 का पड़ता है, 150 का पड़ता है, आपको महंगा चाहिए, लेदर के लिए चाहिए, फुल कैन में बल्ला चाहिए, तो फुल कैन का भी बल्ला आप ये देख सकते हैं, इस टाइप से फुल गारंटी लेकर के आप बेच सकते हैं। ये आप देख सकते हैं फुल कैन का बल्ला है, क्वालिटी आप देख सकते हैं, क्वालिटी बहुत बढ़िया है, अच्छी आइटम है, नाम इसमें आपको सारे अलग अलग मिल जाएंगे, और अगर आप इस तरीके से रखना चाहते हैं तो आप ये भी रख सकते हैं। और सस्ती आइटम है, जो आपके यहाँ 1500 रुपए या 2000 रुपए का बल्ला बिकता है, वो आपको यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 450 और 500 रुपए के रेंज में भी आपको मिल सकते हैं। तो आप इस तरीके से मिक्स करके भी वैरायटी आप रख सकते हैं, और इसके बीच में भी वैरायटियाँ बहुत सारी मिल जाएंगी, 250, 200, 150 सारी रेंज मिल जाएंगी आपको। मैं जैसे कुछ कवर वगैरह में ऐसे आते हैं, ये आप देख सकते हैं, इस टाइप के भी आइटमें आप रख सकते हैं, जो सस्ती आइटमें होती हैं ये, 150 रुपए का पीस होता है और 180 रुपए का पीस होता है इसमें,
इस टाइप से बहुत सारी वैरायटी आप रख सकते हैं जो सस्ती आइटमें होती हैं, इस टाइप से भी आप रख सकते हैं। जैसे ये देखें आप, काफ़ी अच्छा टेनिस का बैट है ये और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी। और ये जो है जैसे कहते हैं कि कुछ चूने का तो नहीं है, इस तरीके से कुछ लोगों की सोच होती है। तो अगर आप इसकी बात करते हैं तो आप ऐसे भी मार करके भी देख सकते हैं, इससे ज़्यादा बॉल न मारी नहीं जा सकती इस पर, इस तरीके से भी आप मार करके इसको देख सकते हैं। क्वालिटी इसको बहुत अच्छी मिलने वाली है, बिल्कुल ना हंड्रेड रुपये का ना किसी तरीके से इसमें। तो आप इस तरीके से वैरायटी अगर मिक्स करके रखना चाहते हैं तो मिक्स करके देख सकते हैं। जैसे बॉल की बात करता हूँ, ये देखो थ्री पीस की बॉल आती है, ये भी आपने देखा होगा बिकते हुए, सस्ती आइटमें होती हैं, आप ये भी रख सकते हैं। बाकी इसमें जैसे 10 पीस का बॉकेट आता है, ये भी आता है, इसमें पेप्सी का आता है ये, और इस टाइप से बहुत सारी रेंज आपको मिलने वाली है। आप ये देख सकते हैं इसमें बॉल का पैकेट हो गया, और इसमें जैसे कुछ अंडे की, प्लास्टिक के अंडे की बॉल की हो गई, तो ये आइटमें मिल सकती हैं 24 रुपए दर्जन की, 2 रुपए का पीस पड़ता है ये 2 रुपए का मात्र पीस पड़ता है, 24 रुपए दर्जन की आइटम है और बहुत बिकती है। इस तरीके से भी आइटमें आप रख सकते हैं। और बाकी जैसे फुटबॉल की बात करता हूँ मैं, अगर फुटबॉल में आप अगर फुटबॉल की बात करते हैं तो इस तरीके से आप फुटबॉल का साइज जो भी चाहिए इसमें आपको सारे साइज मिल सकते हैं। और सस्ती आइटमें आती है, 60 रुपए से स्टार्ट हो जाता है ये आप फुटबॉल का कलर डिजाइन इसके अंदर मिल जाएगा मिक्स, 60 रुपए से पीस स्टार्ट हो जाएगा, 99 के भी सेल में आप इसे डाल सकते हैं। और 60 रुपए से लेकर के ऊपर की रेंज जो भी चाहिए आपको वो सारी रेंज मिलने वाली है। और बाकी जैसे कुछ बॉल्स में अगर बोलो, बॉल में चाहिए तो बॉल में आप इस तरीके से बढ़िया क्वालिटी के भी बॉल अगर रखना चाहते हैं तो इस तरीके से आप रख सकते हैं। सस्ती आइटमें होती हैं ये, और ये जो है मतलब 25 रुपए का पीस पड़ता है, ये 300 रुपए दर्जन के आइटम है, आप इसे रख सकते हैं, काफी अच्छी आइटम है और ये फुल गारंटी पीस है, मतलब फूटेगा नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। इसमें सस्ती आइटम चाहिए तो ऐसा भी रख सकते हैं जो चालू इस टाइप से होता है पीस, ये भी आपका काफ़ी अच्छा बिकता है और 7 रुपए का पड़ता है, 20 रुपए का बिकता है, 84 रुपए दर्जन की आइटम है, काफ़ी अच्छी चलने वाली है। कलर आप देख सकते हैं मिक्स में आएगा, मल्टी कलर का होता है और काफ़ी अच्छा बिकता है ये। तो इस तरीके से आइटमें हमारे पास सारी मिलने वाली हैं। प्लास्टिक में शटल कोक चाहिए तो इस तरीके से मिल जाएगा, ये प्लास्टिक की शटल कोक ये है, और इसमें थोड़ी और हल्के रेंज की चाहिए तो हल्के रेंज की मिल जाएगी प्लास्टिक की शटल कोक, ये इस टाइप से आ जाएगा किंग नाम से, ये अगर आपको चाहिए तो 20 रुपए, 2 रुपए का पीस पड़ता है सिर्फ, शटल कोक 2 रुपए का पड़ता है, 5 का भी बिक जाता है और 10 का भी बिक जाता है अगर आप चाहो तो, बाकी आप 5 का भी बेच सकते हो अगर अच्छा दुकानदारी करनी है तो 5 का भी बिक जाता है, 2 रुपए का पड़ता है आपको। और ये 20 रुपए का बॉक्स है, सस्ती आइटमें हैं, यहाँ से आपको स्टार्ट मिल जाएगा। शटल कोक जो भी चाहिए प्लास्टिक में महंगी से महंगी वो सारी आपको रेंज मिल जाएंगी। बाकी इसमें जैसे आपको शटल कोक में मैं आपको दिखाता हूँ, एक ये चैंपियन के नाम से आता है जो ये पंख वाली आइटम होती है, अगर सस्ती वाली चाहिए तो पंख वाली आती है, इसमें अगर आपको चाहिए तो ये भी मिल सकता है सिर्फ 3 रुपये 50 पैसे का, ये आप देख सकते हैं 3 रुपये 50 पैसे का पीस पड़ता है आपको ये, और आप इसे 5 रुपये में भी बेचो, 10 रुपये में भी बेचो, आप ये बेच सकते हैं। तो ये आइटमें सस्ती होती हैं, ये आपको काफ़ी अच्छा हर दुकान पर और 12 महीने बिकने वाली आइटम है, किसी भी तरीके से कोई इसमें एक्सपायर डेट नहीं है, किसी तरीके से कोई आपका लॉस नहीं होने वाला है, काफ़ी सस्ती आइटम है, मेले में बाजार में शोरूम है कोई भी है कहीं भी है, आपका अच्छा चलने वाला सिस्टम है इसका। और इस पे जो है आप अपने मर्जी से प्राइस भी बता सकते हैं ग्राहक को, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस पे एमआरपी बहुत सारी आइटमों पे नहीं होता है, आप अपना मार्जिन रख करके बेच सकते हैं और हर दुकानदार बेचता भी है इस पे। इसी तरीके से आप सारी आइटमें रख सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कैरम बोर्ड की, कैरम बोर्ड की अगर बात मैं करता हूँ तो मैं आपको सस्ते कैरम बोर्ड भी दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कैरम बोर्ड के बारे में, कैरम बोर्ड जैसे छोटा कैरम बोर्ड ये आता है 99 के सेल में आप डाल सकते हैं, काफी सस्ती आइटम है और ये आपको 65 का 65 रुपए का कैरम बोर्ड पड़ता है आपको, ये 780 रुपए दर्जन का, और ये आपको 10 पीस का बॉक्स आता है 650 रुपए का, आप डाल सकते हैं 99 की सेल में भी। अगर उससे ऊपर थोड़ा सा बेचना चाहते हैं आप तो इस टाइप से भी बेच सकते हैं, ये भी साइज काफी अच्छा होता है, काफी अच्छा मीडियम साइज का होता है, बहुत बिकता है ये। उससे ऊपर चाहिए तो आपको ये भी चाहता है, ये भी आपका काफी सस्ती आइटम है और ये भी बहुत बिकता है ये, इस टाइप का भी आप इसे भी रख सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा साइज जो बोलते हैं ना, वो सबसे बड़ा साइज का ये आ जाता है, ये आएगा सबसे बड़ा साइज का, आप देख सकते हैं ये 26 इंची का होता है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और कलर भी इसके अंदर बहुत सारे मिक्स मिल जाएंगे आपको, और बहुत 6 पीस का ही बॉक्स है, सिर्फ 6 पीस का ही बॉक्स है, तो आप ऐसे 66 पीस में कर भी गए आप इसमें वैरायटी बना सकते हैं 6 पीस करके भी है। और अगर आपको लकड़ी की बात करते हैं तो लकड़ी में ऐसा आ जाएगा, ये भी काफ़ी अच्छी आइटम है, सस्ती आइटम है ये, 150 रुपये का पीस पड़ता है, 1800 रुपये डिजाइन की आइटम होती है, 12 पीस का बॉक्स आता है, आप इस तरीके से इसको मिक्स करके आप बेच सकते हैं ये।
लकड़ी में अगर आपको बड़ा कैरम चाहिए, जैसे बड़ा कैरम कुछ लोग कहते हैं मुझे बड़ा कैरम चाहिए, तो बड़े कैरम में ये भी आता है, मीडियम साइज का होता है, इससे भी बड़ा कैरम चाहिए तो सबसे बड़ा साइज भी मेरे पास होता है, वो भी मैं आपको दे सकता हूँ। और अगर आपको वो बड़ा वाला जो है वो चाहे बॉक्स पैकिंग में चाहिए या लूज चाहिए, दोनों तरीके से आपको मिल सकता है। कपड़े क्वालिटी लकड़ी की और जो है कैरम की प्लाई सब कुछ बढ़िया मिलेगा, मतलब एक हल्की क्वालिटी का कुछ नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि अगर आप पैसा, अगर आप छोटी दुकानदारी करते हैं, अगर आप मोहल्ले की दुकानदारी करते हैं, अगर आप बेचते हैं ग्राहक को, वो लेके जाएगा तो जो कि शिकायत ना करे, किसी तरीके से आपको शिकायत ना करे, आपकी दुकानदारी जमनी चाहिए आगे से, जो कि ग्राहक रेगुलर का बनना चाहिए, तो उस तरीके से आपको आइटमें मिलने वाली हैं। बाजार का हो चाहे, जैसे मैंने आपको बताया मेले में, इस टाइम मेले का टाइम चल रहा है, मेले में लगाना हो, बाजार की आइटमें हो, बाजार जैसे लगता है मंगल बुध शुक्रवार, इस तरीके से आप लगा सकते हैं। और बाकी जैसे दुकान है आपकी, शोरूम है आपका, उस टाइप से भी आइटमें, सारी आइटमें मिलने वाली हैं। तो आपको सस्ती आइटमों के लिए अगर आपको चाहिए तो आप हमारे पास आ सकते हैं। और बाकी मैं दोस्तों एक रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि आप जो है कोई भी फ़ोन करें तो प्लीज़ बच्चों को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चे भी बिल्कुल सिंगल पीस के लिए बिल्कुल बाबू फ़ोन ना करें आप, क्योंकि सिंगल पीस, दो पीस, चार पीस बिल्कुल नहीं बेचते हम। और अगर आप फ़ोन करते हैं तो आप भी डिस्टर्ब होते हैं और हम भी होते हैं, इसलिए प्लीज़ फ़ोन ना करें, रिक्वेस्ट है आपसे। और जो है आप होल सेल के लिए फ़ोन करते हैं 10,000 का मिक्स करके बैठिए, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो मैं भी आपको बता दूंगा कि उसमें मिक्स करके इस तरीके से जो चलने वाली आइटम है मैं मिक्स करके भी आपको दे सकता हूँ। सदर बाजार में आने के लिए जैसे दुकान पर अगर आना हो, सदर बाजार कुतुब रोड चौक पे हमारी, उसके कुतुब रोड चौक से ही बिल्कुल जस्ट बगल में खुर्शीद मार्केट पड़ती है, खुर्शीद मार्केट में फर्स्ट फ्लोर पर दुकान है। अगर आप आना चाहते हैं, अगर आपको दुकान का एड्रेस नहीं मिलता, किसी तरीके से स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया गया है, उस नंबर पर आप कॉल करेंगे, लड़का भेज दिया जाएगा आपको दुकान पर ले आएगा। वैसे आने के लिए अगर दिल्ली से बाहर से आते हैं तो स्टेशन की बात करते हैं तो नई दिल्ली स्टेशन पास में पड़ता है, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन भी पास में पड़ता है, और ये इनके दोनों के बीच में सदर बाजार है। और बाकी मेट्रो स्टेशन की बात करते हैं तो नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन भी है, चांदनी चौक भी है, और इधर जो है अपना कश्मीरी गेट भी आप आ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, वहाँ से रिक्शा मिल सकता है आपको, और तीसदारी भी है, पुलबंगस भी है, और रामाकृष्णा ही अपना, तो इस तरीके से आप आ सकते हैं, किसी तरीके की दिक्कत नहीं है। अगर पेमेंट की बात करते हैं, पेमेंट कैसे करना होगा, गूगल पे, फोन पे, अकाउंट में या कैश, जैसे आप चाहते हैं उस तरीके से हो सकता है, सारी सुविधाएं हैं, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज़ रिक्वेस्ट एक ही है कि आप होलसेल के लिए फ़ोन करें और वैरायटी पूरी मिलेगी, जो भी आपको चाहिए, जो भी आपकी डिमांड होगी वो सारी आइटमें आपको दी जाएंगी और सस्ते रेट पे दी जाएंगी। एक बार आप लेके जाएंगे तो रेगुलर के लिए हमारे घर आपको मैंने सारी वैरायटी दिखाई है, आपको सारे रेट्स दिखाए हैं। प्लीज़ होलसेल के लिए फ़ोन कीजिएगा, रिटेल में मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं करता, रिटेल में नहीं। आपका अगर बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मुझे सस्ते रेटों में कुछ मैं अपना बिज़नेस शुरू करूँ कम पूंजी में, तो आज की वीडियो स्पेशल थी आपके लिए। और जैसे कि मैंने बताया कि ऑल इन वन सर्विस हमेशा रेटों के ऊपर ही मायर रही है, रेटों के ऊपर ही वीडियो बनाती है, तो आप लोग में हमारी यही शुभकामनाएं हैं कि आप लोग अपना बिज़नेस स्टैंड कर पाएँ और हमारी वीडियो को ऐसी प्यार देते रहें। हमारी वीडियो में लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।